सो हेल्प फॉर एंड पावर प्लान गाइड में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है NPSH यानी कि नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। तो देखिए, अगर आप पंप के बारे में अगर डिस्कशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक ऐसा है कि अगर इसकी बात की जाती है तो बहुत लोग के या तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है या तो उसके सर्च के ऊपर से पार हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसके बारे में बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से डिस्कशन करेंगे, और ऐसा डिस्कशन करेंगे कि अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं पूरा तो ये NPSH जो है वो आपके सर के ऊपर से नहीं बल्कि आपके सर में ब्लड की तरह घूमेगा। इतने अच्छे से आप समझ लेंगे कि आप दूसरे लोगों को भी उतनी ही अच्छे से समझा पाएंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि NPSH क्या होता है, कहाँ पे हमको देखने को मिलता है, क्यों NPSH हमको मेंटेन करना जरूरी है। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा, वीडियो के साथ बने रहें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप का नॉलेजफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो NPSH यानी कि नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। तो देखिए, अगर NPSH को अगर डिटेल में समझना है तो उसके लिए कुछ जो बेसिक फंडा है वो आपका क्लियर होना चाहिए, जैसे सेचुरेशन टेम्परेचर, सेचुरेशन प्रेशर, वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन। ये जो चारों जो चीज़ें अगर ये आपका क्लियर है तो ये एकदम खिचड़ी की तरह आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इससे पहले जो दो वीडियो बनाया है उसमें सेचुरेशन प्रेशर, सेचुरेशन टेम्परेचर, वेपर प्रेशर और कैविटेशन के बारे में अच्छे से डिटेल में बता दिया है, ताकि यहाँ पर अगर बात करूं इन सब के बारे में तो आपको एकदम इजीली समझ में आए, ठीक है। तो अगर वो वीडियो आप लोग ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है या ऊपर आई बटन में भी लिंक है, आप उस वहां पे जाके उसको देख लीजिएगा और फिर दोबारा इसको एक बार और देख लीजिएगा, एकदम पानी की तरह एकदम आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अब हम लोग समझते हैं NPSH के बारे में यानी कि नेट पॉजिटिव सक्शन हेड के बारे में। तो बात आती है इस NPSH की, हम लोग को रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, कहां से इसका उद्घाटन हुआ, कहां पे इसका क्रिएशन हुआ। तो देखिए, अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप हम एक चला रहे हैं तो वहीं पे ये हमको NPSH जो है वो देखने को मिलता है, जैसे अभी हम लोग इसको इस डायग्राम से देखेंगे। तो यहां पे देखिए, ये हमारा एक सेंट्रीफ्यूगल पंप हो गया, ठीक है, ये उसका सक्शन लाइन हो गया, और ये सक्शन लाइन जो है एक रिजर्वर से जुड़ा हुआ है यानी कि एक सम से जुड़ा हुआ है, और ये जो हो गया ये डिस्चार्ज लाइन हो गया। ये आप जो बाहर में देख रहे हैं इसको पंप का केसिंग बोलते हैं, ये जो आप देख रहे हैं जो चक्री टाइप का को दिख रहा है वो इसका इंपेलर हो गया, इसके अंदर जो पॉइंट आप देख रहे हैं वो हो गया आपका शाफ्ट हो जाता है, और इसके ऊपर जो आप आई टाइप के देख रहे हैं इसी को आई कहा जाता है, और यहाँ से लेके इस रिजर्वर से लेके और यहाँ तक इस आई के पास जो आप पॉइंट देख रहे हैं तो इन दोनों के बीच में जो हाइट होता है उसको सक्शन हेड कहा जाता है, और आई से ठीक ऊपर यानी कि डिस्चार्ज तक का जो हाइट होता है उसको डिलीवरी हेड या डिस्चार्ज हेड कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पंप के बारे में हो गया। अब बात आती है NPSH के बारे में कि यहाँ पर हमको NPSH कैसे यहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ। तो देखिए, ये पंप काम कैसे करता है और पंप को हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो पंप का यूज हम लोग करते हैं कि एक लो प्रेशर एरिया से हम लोग को हाई प्रेशर जोन में अगर हमको वाटर को भेजना है तो वहाँ पे हम लोग पंप का यूज करते हैं। तो जब हम लोग पंप जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, इसको चालू करते हैं, तो क्या होता है, ये हमारा इंपेलर जो होता है वो रोटेशन से एकदम घूमता है, और ये जैसे जैसे इसका स्पीड बढ़ते जाता है तो हमारा जो क्या होता है यानी कि ये जब घूमता है तो हमारा क्या होता है, इस सक्शन लाइन में प्रेशर जो होता है वो लो क्रिएट होता है, यानी कि यहाँ पे लो प्रेशर होता है। इस सक्शन लाइन में आपका लो प्रेशर रहेगा और डिस्चार्ज में आपका हाई प्रेशर रहता है। तो इस लो प्रेशर में जैसे ही हमारा जो वाटर आता है जिसमें आपका नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है अभी एक्ट कर रहा, अभी जब रिजर्वर में रहता है तो कितना नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm यानी कि 1.013 बार, तो उतना प्रेशर आपका इसमें एक्ट करता है। अब जैसे ही ये जो वन एटीएम का जो प्रेशर वाला जो वाटर है इसके अंदर यहाँ पे देखेगा कि यहाँ पे नेगेटिव हो गया है, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी फ्लूड का जो फ्लो होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जोन की तरफ होता है। तो यहाँ पे अगर जब लो प्रेशर क्रिएट होगा तो ये वाटर क्या होगा, अब यहाँ पे जाना चाहेगा, ठीक है, इसको फिलअप करने की कोशिश करेगा, और जैसे ही इसके इंपेलर के आई पॉइंट के पास पहुँचेगा तो वहाँ पर उसका प्रेशर जो होता है वो बहुत ही सबसे मिनिमम होता है, और अगर किसी भी कारणवश इस सक्शन में अगर आपका प्रेशर जो है वो बहुत ही अगर लो हो जाए, इतना लो हो जाए कि इस लिक्विड का जो प्रेशर है, इस वाटर का जो प्रेशर है उसके वेपर प्रेशर से अगर लो हो गया यानी कि उसके सेचुरेशन प्रेशर से लो हो गया तो वो वेपराइज हो जाएगा, वो बॉइलिंग होने लगेगा, उसका फेज चेंज होने लगेगा, ठीक है। देखिए, अगर मैं कहीं पे बात करूँ वेपर प्रेशर के बारे में या सेचुरेशन प्रेशर के बारे में तो ये दोनों एक ही चीज़ है, इसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपके बुक में जैसे दिया रहता है कि जब लिक्विड का जो प्रेशर है वो वेपर प्रेशर से लो हो जाएगा तो वहाँ कैविटेशन होगा,
तो अगर वेपर प्रेशर से लो हो जाए चाहे सेचुरेशन प्रेशर के लो हो जाए, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। वेपर प्रेशर हो चाहे आपका सेचुरेशन प्रेशर है, वो एक ऐसा आपका प्रेशर होता है जहाँ पर लिक्विड जो होता है वो फेज चेंज करता है, यानी कि बॉइलिंग वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। और पिछले वीडियो में भी हम लोग बात किए थे कि जो हमारा बॉइलिंग होता है लिक्विड का या वाटर का, उसका दो कंडीशन होता है, दो तरीके से हम लोग किसी भी चीज़ को बॉइल कर सकते हैं। पहला कंडीशन क्या होता है तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है इसी पे डिपेंड है। तो देखिए, अगर किसी लिक्विड का अगर हम चाहे प्रेशर उसका जो है उसका वेपर प्रेशर से या उसका सेचुरेशन प्रेशर से उसका जो प्रेशर है वो लो कर दें, ठीक है, लिक्विड का जो प्रेशर है उसके वेपर प्रेशर से या सेचुरेशन प्रेशर से लो कर दें, तो हमारा जो है वहाँ पे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा, वो उबलने लगेगा। या दूसरा क्या कंडीशन है कि अगर हम जो लिक्विड है उसका जो टेम्परेचर है उस लिक्विड के सेचुरेशन टेम्परेचर के अबव कर दें, ठीक है, तो भी हमारा बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, 1 atm, यानी कि 1.013 bar, ओके। तो हम बोलेंगे कि इस प्रेशर पे अपना वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है, यानी कि सेचुरेशन टेम्परेचर कितना होता है, तो आप बोलेंगे 100 degree centigrade, ठीक है, यानी कि 100 degree जैसे आता है तो हमारा वाटर बॉइल होने लगता है, ये तो सभी को पता है। तो हम इस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, ये हो गया अपना सेचुरेशन टेम्परेचर, और इस प्रेशर को क्या बोलेंगे, ठीक है। अगर वाटर का टेम्परेचर इतना है, सपोज कीजिए, तो अगर हम प्रेशर इतना अगर लेते आते हैं, ठीक है, तो भी हमारा वाटर बॉइल हो जाएगा, तो इस प्रेशर को बोलेंगे हम लोग सेचुरेशन प्रेशर, ठीक है। और ये प्रेशर, सेचुरेशन प्रेशर और सेचुरेशन टेम्परेचर जो होता है वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि ये प्रेशर जैसे जैसे घटेगा हमारा ये सेचुरेशन टेम्परेचर वो भी घटता जाएगा। यानी कि अब हम प्रेशर अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए कि अगर ये आधा बार कर दिया, ठीक है, 0.5 कर दिया, तो ये सेचुरेशन जो इसका टेम्परेचर है, यानी कि जो वाटर अब 100 डिग्री में उबल रहा था, अब वो पहले ही उबल जाएगा, हो सके 80 में उबल जाए या 70 डिग्री के आसपास जो होता है वो उबल जाता है। यानी कि कहने का मतलब यही है कि जैसे जैसे सेचुरेशन प्रेशर घटेगा उसका सेचुरेशन टेम्परेचर भी घटता जाएगा, वो वाटर जल्दी बॉइल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हुआ, तो देखिए यही चीज़ तो यहाँ पर सक्शन में हो रहा है। ये हमारा जो रिजर्वर है इसका एक टेम्परेचर फिक्स है, जो वाटर है कितना वाटर का टेम्परेचर होगा, जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है आपका 40 डिग्री के आसपास होगा, तो 40 डिग्री ये आपका टेम्परेचर है, हो गया वाटर का। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे हमारा लो प्रेशर है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, तभी हमारा फ्लूड यहाँ पे फ्लो कर रहा है। और अगर किसी भी कारण अगर यहाँ पे प्रेशर इतना लो हो जाए कि ये इसके वेपर प्रेशर या सेचुरेशन प्रेशर के नीचे चला जाए, तो हमारा जो ये वाटर है वो बॉइल होने लगेगा। क्योंकि देखिए 40 डिग्री पर क्या होता है कि अपना जो सेचुरेशन प्रेशर या वेपर प्रेशर जो है वो 0.073 bar होता है, यानी कि ये प्रेशर के नीचे अगर हमारा आ जाएगा ये लिक्विड, तो ये बॉइल करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे 100 डिग्री पर आ जाता था अगर इतना प्रेशर, तो हमारा वाटर बॉइल करने लगता था। ठीक उसी तरह अगर 40 डिग्री पर अगर इस प्रेशर के नीचे चला जाएगा जो कि हमारा सेचुरेशन प्रेशर है या वेपर प्रेशर है, तो उसके नीचे चला जाएगा, तो ये वाटर जो है वो बॉइल करने लगेगा, और बॉइल करेगा तो बबलिंग होगा, और यही जो बबल्स होते हैं ये हाई प्रेशर जोन में जाके कोलैप्स करते हैं, और वहीं पे वाइब्रेशन करेंगे, नॉइज करेंगे, पंप में बुरा इफेक्ट करेंगे, उसको पीटिंग करेंगे, उसमें जो भी कैविटी टाइप का करेंगे उस मटेरियल को हटाने लगेंगे, जिससे पंप के परफॉर्मेंस में बुरा इफेक्ट करता है, और उसी को कहा जाता है कैविटेशन, जो कि पंप की लाइफ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, पूरी पंप की वाट लगा देता है। तो उसी पंप के परफॉर्मेंस को, उसकी एफिशिएंसी को, उसके लाइफ को बचाने के लिए इस कैविटेशन का हटना बहुत ही जरूरी है, इसको हटाना बहुत जरूरी है, रिमूव करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए हम लोग को एक यहाँ पे निश्चित प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है, और ये प्रेशर हम लोग इतना मेंटेन करेंगे कि ये वेपर प्रेशर के लो ना जाए, क्योंकि कैविटेशन तभी हो रहा था जब हमारा प्रेशर लो हो जा रहा था वेपर प्रेशर से। इसलिए इस लिक्विड का प्रेशर हम लोग इतना मेंटेन करेंगे कि जो सक्शन जो प्रेशर होगा यहाँ पे वो इस सेचुरेशन प्रेशर के नीचे ना जाए, एवं भी रहे, ठीक है। तो क्या होता है कि जो हमारा सक्शन प्रेशर है, अगर उससे हम लोग जो आपका वेपर प्रेशर है उसको अगर हम माइनस करेंगे, तो हमारा एक पॉजिटिव प्रेशर आना चाहिए, यानी कहने का मतलब सीधी सीधी है कि हमारा जो लिक्विड का प्रेशर है वो ज़्यादा होना चाहिए और जो सेचुरेशन प्रेशर है वो कम होना चाहिए, तभी तो माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो यही दोनों के माइनस को, यानी कि सक्शन प्रेशर माइनस वेपर प्रेशर इज कॉल्ड NPSH, यानी कि नेट पॉजिटिव सक्शन एस। नेट का मतलब वही आपका फाइनली जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा, फाइनली जो ये हम पे हमको प्रेशर मिलेगा। पॉजिटिव मतलब
दोनों को अगर माइनस करेंगे तो हमको पॉजिटिव मिलना चाहिए, यानी सक्शन प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, ये कम होना चाहिए। सक्शन मतलब सक्शन में जो प्रेशर होगा, हेड मतलब जो हमारे हेड पे जो प्रेशर है, ठीक है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। आई होप कि ये थ्योरेटिकली आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकली समझेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, हमको इनर्जी इक्वेशन लगाना पड़ेगा इस पॉइंट वन पे और पॉइंट टू पे। ये पॉइंट वन आपका वाटर लेवल के पास है और पॉइंट टू जो है आपका आई के पास है, और इसी हाइट को हम लोग कहते हैं, हेड को कहते हैं सक्शन हेड कहा जाता है, ठीक है। तो इसी वन और टू पे हम लोग इनर्जी इक्वेशन लगाएंगे, यानी कि बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे। तो क्या होता है बर्नौली इक्वेशन, तो अभी देखिए ये जो साइड में आपको जो एक चचा का फोटो दिख रहा है जिनके बाल काफ़ी ज़्यादा डिजाइनदार है, तो इन्हीं का नाम है डेनियल बर्नौली। और जितनी ही ज़्यादा इनके खूबसूरत बाल है, जितने ज़्यादा ये स्मार्ट लग रहे हैं, उतनी ही खूबसूरत इन्होंने 1737 ईस्वी में एक इक्वेशन दिया, एक डेरिवेशन दिया, और उन्होंने ये दुनिया वालों को बताया कि अगर किसी पाइपलाइन में कोई फ्लूड जो है वो फ्लो कर रहा, तो किसी पॉइंट पे क्या होगा कि जो टोटल एनर्जी का जो सम होगा, जितने भी सारे उसमें एनर्जी जो है वो एक्ट करें, उसका अगर हम लोग योगफल निकालेंगे, समेशन करेंगे, तो वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो उसी चीज़ को जो हमारे ये चचा बोल के गए हैं, वही यहाँ पे हमने लिख दिया है, जो बर्नौली जी यहाँ पे जो बोले हैं कि जो हमारा प्रेशर एनर्जी होगा, जो काइनेटिक एनर्जी होगा, जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा, वो कांस्टेंट होगा, तो उसको लिख दिया, ठीक है। अब इसी इक्वेशन की मदद से हम लोग अपना NPSH क्लियर करेंगे। तो ये इक्वेशन तो हमें ये आपके बर्नौली जी दे के चले गए हैं, लेकिन समझने का काम हम लोग का है। तो आइए इसको हम लोग एकदम डिटेल में समझते हैं, बहुत ही एकदम बेसिक है, इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक स्टेप करके यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए ये हो गया आपका प्रेशर एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी क्या होता है, आपका अगर कोई लिक्विड है तो उसके बाहर से जो प्रेशर एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो हो गया आपका प्रेशर एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के किसको बोलेंगे कि अगर फ्लूड के मूवमेंट के वजह से उसमें कोई एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी हो गया। पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलेंगे कि अगर फ्लूड का अगर हाइट के वजह से आपका कोई एनर्जी है तो उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। तो ये सब आपकी एनर्जीज हो गया, और इसी का जो समेशन होता है वो कांस्टेंट होता है। तो और अगर डिटेल में लिखेंगे तो क्या होगा, पी बाय रो जी। काइनेटिक एनर्जी की जगह अगर लिखेंगे तो हो जाएगा वी स्क्वायर बाय टू जी। पोटेंशियल एनर्जी की जगह लिखेंगे तो उसको जेड से डिनोट करते हैं। और चूंकि हम लोग ये बर्नौली इक्वेशन पॉइंट वन पे और पॉइंट टू पे लगा रहे हैं, तो एक हो जाएगा पॉइंट वन वाला और एक हो जाएगा पॉइंट टू वाला, कांस्टेंट की जगह पे पॉइंट टू वाला। तो देखिए यहाँ पे वही प्रेशर जो होगा यहाँ पे पी वन हो गया, ठीक है, रो जी आपका हो गया, प्लस आपका वेलोसिटी यहाँ पे जो आपका रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग वी वन कर दिए बाय टू जी। पोटेंशियल एनर्जी वन पॉइंट पे है तो जेड वन कर दिए, ठीक उसी तरह पॉइंट टू कर दिए, पी टू बाय रो जी प्लस बी टू स्क्वायर बाय टू जी प्लस जेड टू, प्लस कुछ लॉसेस होगा अगर फ्लूड फ्लो कर रहा है यहाँ पे पॉइंट टू पे, तो आपका कुछ लॉसेस होगा जैसे फ्रिक्शनल लॉसेस, तो उसको लॉसेस दिखा दिए यहाँ पे। अब देखिए इसका वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे ये क्या चीज़ है, हमारा प्रेशर एनर्जी है, ठीक है, इस पॉइंट वन पे। तो पॉइंट वन पे देखिए हमारा लिक्विड है, और लिक्विड पे कौन सा प्रेशर एक्ट कर रहा है, तो नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर जो एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो इसी को बस सफिक्स में ATM करके दिखा दिए, इसे समझने में ईजी होगा। तो देखिए ये हमारा एटमोस्फेरिक प्रेशर इस पर एक्ट हो गया, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी फ्लूड के जब मूवमेंट करेगा तो ही उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा, तो फ्लूड तो यहाँ पर मूवमेंट कर नहीं रहा, फ्लो हो नहीं रहा, तो यहाँ पर ये जीरो हो गया। जेड किसके लिए दिखा रहा था, तो अगर कोई हाइट होगा तो ये तो हमारे सम्प में है तो इसका कोई हाइट नहीं है, तो ये भी जीरो हो गया। इक्वल टू, अब देखिए पॉइंट टू में क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारा जो प्रेशर एनर्जी है, तो प्रेशर एनर्जी कितना, तो आपका आई पॉइंट में जो है वो सक्शन प्रेशर वो कहलाता है, तो सक्शन प्रेशर को वही सफिक्स में समझने के लिए जो आपका प्रेशर था और सफिक्स में सक्शन लिख दिया, यानी कि ये सक्शन प्रेशर हो गया। आपका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे तो फ्लूड कुछ फ्लो कर रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, तो ये वही वी टू हो गया, तो वी टू स्क्वायर बाय टू जी। प्लस हाइट कितना होगा, तो ये हमारा हाइट हो गया, तो इसीलिए हाइट की जगह हम लोग लिख दिए HS, यानी कि सक्शन हेड, और कुछ लॉसेस को हम लोग दिखा दिए HL से, ठीक है, तो ये हम लोग वैल्यू पुट कर दिया। अब हम लोग को यहाँ पे निकालना क्या है, तो सक्शन प्रेशर निकालना है, तो सक्शन प्रेशर को बस इधर कर देंगे, बाकी सबको उधर कर देंगे। तो बस ये मैथमेटिकल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जैसे मैथ को सॉल्व करते हैं प्लस माइनस वाला वही यहाँ पे खेला है। तो अभी यहाँ पे देखिए फाइनली हमारा ये डेरिवेशन निकल के आया, यानी कि जो सक्शन प्रेशर है वो इक्वल टू है एटमोस्फेरिक प्रेशर माइनस सम अदर प्रेशर।
ठीक है। तो अब भी देखिए इस इक्वेशन से तो हमको एकदम इजीली समझ में आ रहा कि हमारा जो ये सक्शन पॉइंट में जो प्रेशर होगा ना वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो होगा। देखिए कैसे, यहाँ पे ये सक्शन प्रेशर हो गया और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कुछ ना कुछ चीज़ें माइनस हो रही है, आपका जो काइनेटिक एनर्जी है, कुछ अदर लॉसेस है, ये सब माइनस हो रही है। ठीक है, तो माइनस अगर होता है तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, इसका मतलब है सक्शन प्रेशर क्या है, हमको कम मिलेगा। तो सक्शन प्रेशर यहाँ पे लो हो गया, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। ठीक है, अब इसी चीज को, अब ये तो समझ गए कि सक्शन प्रेशर हमारा लो होगा, लेकिन कितना लो करेंगे, ठीक है, कितना लो करेंगे ताकि हमारा ये लिक्विड का जो प्रेशर है वो वेपर प्रेशर से लो ना हो, तो इसी को हम लोग एनपीएसएच के टर्म में लिखेंगे। तो हमारा प्रेशर, सक्शन प्रेशर कितना होना चाहिए, तो वेपर प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए। अगर ज्यादा होगा तो आपका बबलिंग नहीं होगा, बॉइलिंग नहीं होगा, जिसकी वजह से कैविटेशन जो है वो अवॉइड हो जाएगा। तो वही चीज लिखा हूं यहाँ पे, जो हमारा ये सक्शन प्रेशर है वो आपका वेपर प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए, P1 बाय रो जी। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये वेपर प्रेशर हो गया, ये सक्शन प्रेशर हो गया, और सक्शन प्रेशर जो है वो बड़ा है वेपर प्रेशर से। तो अगर ये बड़ा रहेगा तो हमारा जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगा, जब ये माइनस करेंगे। इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहाँ पे लिखा हूँ, देखिए ये सक्शन प्रेशर हो गया, इसको इधर लाऊंगा तो ये माइनस हो गया जो कि वेपर प्रेशर है, ठीक है, और यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो। यानी कि अगर हमारा जो सक्शन प्रेशर है उसमें से अगर हम वेपर प्रेशर माइनस करते हैं तो हमेशा जो मेरा वैल्यू आएगा वो जीरो से ज़्यादा आएगा। जीरो से ज़्यादा होगा तभी तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो हमें पॉजिटिव ही चाहिए, यानी कि इसकी वैल्यू ज़्यादा चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि अगर हमारा जो सक्शन प्रेशर जो है अगर वो 0.6 है, ठीक है, सक्शन प्रेशर, और अगर हमारा जो वेपर प्रेशर है वो आपका 0.3 है, तो हमारा NPSH कितना आएगा, यानी कि नेट पॉजिटिव सक्शन हेड कितना आएगा, तो ये आएगा 0.3, ठीक है, और ये प्लस में आएगा क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है। तो अगर ये केस आता है इसका मतलब है कि यहाँ पे बबलिंग नहीं होगा, यहाँ पे कैविटेशन अवॉइड हो जाएगा, पंप में कोई नुकसान नहीं होगा कैविटेशन के वजह से। लेकिन अगर ये छोटा हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है, तो देखिए नेगेटिव पॉइंट में अगर हम बड़ा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब ये है कि सक्शन प्रेशर इतना लो हो गया है कि वो वेपर प्रेशर से नीचे चला गया। और हम लोग जानते हैं कि अगर वेपर प्रेशर से नीचे जाएगा तो हमारा लिक्विड जो है वो बॉइल कर जाएगा और वहाँ कैविटेशन हो जाएगा और पंप की वाट लग जाएगी। तो इसलिए हम लोग को सक्शन प्रेशर जो है वो वेपर प्रेशर से ज्यादा रखना है, और इसी को हम लोग जब माइनस करते हैं और जो हम लोग एक नेट आपका जो प्रेशर मिलता है उसी को कहा जाता है NPSH, ठीक है, यानी कि नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। तो NPSH का जो ये हमारा टॉपिक है, तो आई होप कि आपका ये क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने का कोशिश किया हूँ। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसको क्लियर करूँगा। और यहाँ पे अभी हम लोग थ्योरेटिकल देख लिए, मैथमेटिकल देख लिए, इसको हम लोग ग्राफिकल भी देखेंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो बहुत ही 2 मिनट का काम है, अगर वो ग्राफिकल देख लेते हैं तो और भी एकदम मतलब दिमाग में एकदम छप जाएगा, NPSH कभी भूल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, चाहे वो पावर प्लांट में कोई वर्क करता हो, चाहे वो BOE का एग्जाम देने वाले हो, या अटेंडेंट का हो, या कोई इंटरव्यू है, हर तरफ से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ पर भी अगर पंप के बारे में बात आती है तो NPSH के बारे में क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए NPSH को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी टाइप का इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।